आज है वेंसडे और कल और परसों अपने को वर्क फ्रॉम होम करना है। लास्ट 3 दिन का फटाक से रिकैप देता हूँ अभी। तो हफ्ते का रिकैप देता हूँ जल्दी से। हुआ क्या कि अभी कुछ था नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, तो मैंने 4-5 दिन व्लॉग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करे, थोड़े बहुत करे। अभी मैं मंडे ट्यूसडे तो ऐसे ही निकल गया। मंडे को बताऊँ क्या हुआ कि मैं जिम गया और वहाँ मैंने बॉक्सिंग करी और एक नया टीचर था बॉक्सिंग का, तो मैंने बोला चलो अच्छा है। 1 घंटा बॉक्सिंग थी, वैसे 45 मिनट की होती है, 1 घंटा बॉक्सिंग करी। भाई साहब मैं इतना थक गया, मैंने बोला आज तक मैंने ऐसा कभी वर्कआउट नहीं किया। और फिर मैं एकदम पसीने में लथपथ और ऐसे बाल थोड़े ऐसे नीचे गिर रहे हैं, और मैंने ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी एक, वो दिखाऊंगा मैं आपको कभी कौन सी पहनी हुई थी। और नीचे आ रहा था मैं, जब जहाँ अपन लॉकर रूम है वहाँ जा रहा था, लॉकर रूम के पास में पूरा एक वेट मशीन सब पड़ी रहती है, इक्विपमेंट है, तो लोग वर्कआउट कर रहे थे। तो नीचे गया मैं और मैं पूरा पसीने में था, मेरी पूरी टी शर्ट वीशर्ट पसीने में, तो वहाँ पे लोग देखने लग गए। तो उन्होंने देखा, बॉक्सिंग के ग्लव्स व्लव्स थे मेरे हाथ में, तो मुझे और मोटिवेशन मिल गया। तो मैंने बोला चलो अपन पुश मूवमेंट भी लगा लेते हैं, और पुश मूवमेंट में मैंने चेस्ट प्रेस लगा लिया, शोल्डर प्रेस लगा लिया, सब लगा लिया। और 3 घंटे मैं जिम में था। मंडे को ऑफिस गया 5 बजे, 6 बजे से 9 बजे तक मैं जिम ही करता रहा, और फिर उसके बाद मैं सोया, 4-6 घंटे सोया। सुबह उठा, जो दिक्कत हुई ना, जो बैंड बजी, मेरे को ही पता है क्या बैंड बजी। और फिर उसके बाद में मैंने बोला अब ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, जैसे तैसे ऑफिस गया। ट्यूसडे को अपनी हिम्मत जुटा के वापस आया घर, मैंने बोला मेरे को आज कुछ भी नहीं करना है, मैं आराम ही करूँगा। दवाई ली मैंने, वो मेलाटोनिन होती है, उससे नींद अच्छी आती है, वो ले ली मैंने और मैं सो गया। और फिर अगले दिन बुधवार को क्या हुआ कि मैं बढ़िया सो रहा था, 7:30 का अलार्म लगाया मैंने, 7:30 बजे का अलार्म लगाने के बाद में, 7 बजे का अलार्म लगाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने एक बार स्नूज बटन दबा दिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे। देखा टाइम, देखा तो हो रहे थे 8:30। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, और भागा ऑफिस के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कॉफी पी, ना चाय पी, ना ब्रश किया और थोड़ा मुंह धोया, कपड़े वपड़े पहन के भागा मैं ऑफिस, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के। मैंने बोला आज नहाने का टाइम नहीं है भाई, जैसे तैसे चलो। और फिर मैं गया ऑफिस। और फिर वेंसडे को भी, मेरे को बुधवार के दिन भी, मतलब कल के दिन भी मेरे को ऐसा लग रहा था भाई क्या हो गया है, कल भी मैंने कुछ भी नहीं किया, कल मैं आराम ही करता रहा, और आज भी सोया मैं कल 8-9 घंटे सोया। 2 दिन मेरी बॉडी में इतना थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, मेरे ये जो रियर पीछे का शोल्डर होता है वो भी दुख रहा था। फिर आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो ज्यादा कुछ था नहीं। अभी वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो जहाँ जाना है उसके लिए बहुत सारी वैक्सीन लगवानी पड़ती है। ऐसी कंट्री है वो थोड़ी पिछड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे वैक्सीन की सुविधाएं इतनी रहती नहीं है, और वहाँ बीमारियाँ थोड़ी फैलती हैं, तो उसके लिए वैक्सीन पहले ही लगवाने जा रहा हूँ। फिर ये सब रिटर्न करना है, थोड़ा बहुत सामान आ गया था तो वो भी करने चलते हैं। जिम का बैग रेडी कर रहा था, देखो क्या हो गया, ये बॉटल खुली निकल गई परफ्यूम की, और इसके अंदर पूरी परफ्यूम महक रही है। देखें क्या हो क्या गया, टूटी गई क्या, ये टूट गई, क्या हो गया इसको। हाँ मेरे को लगता है इसका कांच टूट ही गया, लग गया है। तो ये देखो, ये अब ठीक बता रहा है, क्या हो गया इसको। तो परफ्यूम का पता है ना क्या, मेरे को बहुत शौक है, मैं ज्यादा पैसे फालतू चीजों पे खर्चा नहीं करता हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें खरीदता नहीं हूँ जिसकी जरूरत नहीं हो, लेकिन परफ्यूम बहुत खरीदता हूँ। आपको दिखाता हूँ मेरा कलेक्शन, देखो ये है अरमानी की एक्वा दी जियो, बस इसी पे पैसा खर्चा करता हूँ मैं, जो कि कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। ये डेविड ऑफ की रन वाइल्ड है, तो बहुत फ़ायदे में मिली थी एयरपोर्ट पे, ये भी एयरपोर्ट से ख़रीदी थी। और ये अरमानी की कोड है, ये अरमानी का कुछ ऑफर चल रहा था तो फ्री में मिल गई थी। ये है अल्ट्रा मेल इंटेंस, और ये टॉम फोर्ड की है, ये मेरे को फेवरेट लगती है, थोड़ी महंगी ज़्यादा है, लेकिन ये है जॉन वारवाटॉस की ऊपर। और क्या है, और देखते हैं क्या क्या अपने पास। हाँ एक ये है, देखो एक ये हो गई, 1 मिलियन पाको रब्बान की लकी, और फिर ये एक है YSL की है, ये परफ्यूम बहुत ही स्ट्रांग है। ये भाई साहब सर दुख जाता है इससे, ज़्यादा लगा लो तो इसको, बट बहुत अच्छी है ये, स्ट्रांग बहुत है लेकिन। और ये है अरमाव की कुछ तो इसका नाम है, अजारो की मोस्ट वांटेड है ये। और ये शनेल की है, ब्लू द शनेल। फिर ऊपर ये वर्साचे की कौन सी है, ये ईरोस है। और ये कैल्विन क्लीन की वन। और मेरा सपना है कि मतलब
मेरे को एक परफ्यूम लेनी है जो करीबन $450 की है, मेरे को इतना पैसा खर्चा करना नहीं है, तो उसका छोटा टेस्टर पड़ा है मेरे पास, उसका नाम है, क्या नाम था, क्रीड अवेंटस, बहुत बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी, बट मेरे को लगता है यार इतना पैसा लगा के फायदा है क्या उस चीज का, मतलब परफ्यूम का। चलते हैं अभी, लगाई तो जोर से बजेगा, तो अब बस ये फेंक दिया बैग में अंदर, रिटर्न करके पार्सल पड़े हुए हैं वो रिटर्न करने हैं, लिया वो रिटर्न करते हैं और फिर चलते हैं जिम देखते हैं। वो इस घंटे से ऊपर हुए होंगे मेरे को, मैं घर से निकला हूँगा, बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया टीवी देखते देखते। अभी क्या हुआ कि हमारा वो था हैप्पी आवर कल, मतलब कोई बंदा जा रहा था तो सब गए थे उसके फेयरवेल के लिए, मैं तो कभी जानता नहीं था उसको, तो उसके फेयरवेल के लिए गए थे, तो थोड़ा बहुत सब वो इमोशनल हो रहे थे सब, तो अब यार सब पी रहे थे वहाँ पे, तो मेरे को भी बोला लोगों ने, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं पीता हूँ। मैंने क्या किया, जिंजर एल लिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, मैंने उसको बोला भाई सिंपल जिंजर एल लेना, और सबको बोल दिया कि मैंने जिंजर एल और वॉडका मिला के रखी है, क्योंकि क्या हो जाता है ना मैं पी लेता फिर मेरे को है ना अच्छा नहीं लगता है उसके बाद में थोड़े टाइम, तो मैं बहुत ही कम पीता हूँ, मतलब मिनिमाइज करता हूँ पीना। चलते हैं, रिटर्न वगैरह कर दिया है, अब यहाँ से एड्रेस देखना पड़ेगा कि भाई वैक्सीन का है कहाँ कहाँ लगवानी है, गूगल मैप्स पर ढूंढना पड़ेगा, इतना आसानी से मुझे समझ में नहीं आएगा, इधर ही एसी लेन में 5-6 मिनट का वॉक है। आज का मौसम तो सही हो रहा है, मतलब अगले हफ्ते से मैंने देखा है धूप आना चालू हो जाएगी, अभी ठंड थी 2 दिन सुबह सुबह, तो मंडे को इतनी ठंड थी और मैं जैकेट लेके गया नहीं था। मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो कैमरे में ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है ये, वैसे दुनिया कैमरे में ज़्यादा अच्छी लगती है ना। आ गए वैक्सीन लगवाने, अभी बोला मुझे थोड़ी देर बैठ जाओ मैं आ रहा हूँ, थोड़े टाइम दो मेरे को, ठीक है यार। ये जूतों में देखो कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, बार बार ये इंजरी हो रही है इससे, यहाँ पे कुछ टकराता है, मैंने स्टॉक एक्स को कंप्लेन भी करी थी क्योंकि उनसे ख़रीदा था, कुछ करना पड़ेगा इसको, काटना पड़ेगा या कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसा टकराता है, ठीक है जो भी है। वो चूहे की कहानी पता है, वो चूहा गया नहीं है, एक आध बार दिखा है सुजय को, मैंने 4 माउस ट्रैप लगाए हैं उसके लिए इतने छोटे से घर में, दिखाऊंगा घर जाके आपको, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडी हो गई है, बताता हूँ बाहर चल के। जिम ख़त्म किया, अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सब्ज़ी वगैरह ले लूँ, कुछ खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आज सोच रहा हूँ क्या बनाया जाए, दाल चावल बना देते हैं सिंपल से बढ़िया से, उसके लिए सामान ले लेते हैं, प्याज है मेरे पास, टमाटर चाहिए रहेगा, मशरूम चाहिए रहेगा और 2-3 और चीज़ें से। हाँ थैंक यू, आई टेक द बैग, दैट्स ओके। देखो 3-3 इतना सारा सामान लिया मैंने, फिर उसके बाद वहाँ गया था किराने की दुकान, वहाँ से सामान लिया, ट्रेजडी क्या भी बताता हूँ। तो क्या हुआ, अंदर गया मैं और वो बोलते हैं कि बैठो थोड़ी देर, मैं बैठा और फिर उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट था, तो उसने मेरे को बुलाया, बोले क्या नाम है तुम्हारा, मैंने बोला निखिल, और फिर उसके बाद उसने बोला अपॉइंटमेंट दिखाओ, तो वो देखा उसने, बोले तो कल का था, मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला अरे यार मैंने कल का अपॉइंटमेंट, तो मैंने बोला वॉक इन हो जाता है क्या, बोले नहीं वॉक इन वगैरह नहीं होता, तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ बाद में, तो मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने वहीं अपॉइंटमेंट बुक कर दिया उसी दिन का, तो मैं फिर चला गया उसके पास में, मैंने बोला भैया मैंने तो कर दिया आज का, तो बोले ठीक है मैं बैठ जाओ लगा देता हूँ, तो उसने एक वैक्सीन यहाँ लगाया, एक वैक्सीन यहाँ लगाया,
और भाई साहब इतना दर्द हुआ, पता नहीं कैसा लगाया उसने वैक्सीन, भयानक दर्द हुआ। फिर उसके बाद मैं जिम निकल गया, जिम में मैंने बैक बाइसेप मारे और फिर ये सामान खरीदा। ये सामान पता है कितने का आया? अराउंड $140 का। मैंने, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं लेने $20-30 की चीज़ गया था, ज़्यादा आते आते मैंने बोला यार ये क्या खरीद लिया। फिर मैं घर आया, देखो अब है ही नहीं फ्रिज में कुछ, तो अभी जल्दी जल्दी भरते हैं फ्रिज को। ये देखो, ये है डिल चिप्स, पिकल्स, चीज़, पास्ता बना रहा हूँ मस्त। कल तो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी रिकॉर्ड करते करते। पास्ता बनाया था, ठीक ठाक बन गया था, कभी और दिखा दूंगा आपको कैसे बनाता हूँ। अभी बस चलते हैं जिम, थोड़ा दोस्तों वोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद में बॉक्सिंग क्लास है आज अपनी। गाइस तो बस अभी घर आया था, उज्जवल भी आ गया है, शार लिया मैंने, कपड़े वपड़े पहनते हैं और पूजा करते हैं। उज्जवल आ गया था, उज्जवल अपना चेहरा दिखाओ लोगों को, भाई से मुलाकात हुई। तो बस मैंने नहाया वाया और फिर उसके बाद बॉक्सिंग से आया वापस। बॉक्सिंग की क्लास जो आज मैडम थी, इतना मज़ा नहीं आया उनके साथ में, वो मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो ना। जो टीचर था वो पता नहीं छोड़ के चला गया। मंडे को एक होती है अहमद सर की क्लास, वो खतरनाक होती है, तो वो भी करेंगे। इसमें थोड़ा फॉर्म का था कि फॉर्म ऐसे ऐसे होना चाहिए, जैसे अपन बॉक्सिंग करते हैं तो लोग आगे हो जाते हैं, तो लीन नहीं करना है आपको, अपने हाथों को ऐसे रखना है और यूं करना है। ये एक जैब हो गया आपका, ये जैब ऐसा है कि आपका अपोनेंट को भी इतना होना चाहिए और मेन क्रॉस ऐसा देना उसको ऐसा। भाई केक लाए हैं हमारे लिए, कि दोनों भाई न्यूयॉर्क सिटी मूव हुए हैं। चीयर्स। तो खाओ यार भाई, तुम भी खाओ। अरे ये है प्लास्टिक, लो भाई तुम खाओ। अरे खा, भाई को खिलाओ। लो भाई, इसने रखा था अपने को थोड़े दिन। चीयर्स। चम्मच एक्सचेंज कर लें क्या? वही जगह आ गए अपन लोग जो निवेश के साथ आए थे। हम लोग इतना घूमे और उसके बाद यहाँ आ गए, इतना घूमने के बाद में यहाँ गए वहाँ गए। ये देखो, ये है घर आ गया था, कपड़े बदले और बस अभी सोने जा रहा हूँ। उज्जवल के साथ वहीं वहाँ पे वो जो बाजी करके जगह थी वहीं खाना खा लिया था। पानी ले लेता हूँ यार, प्यास लग रही है। पता नहीं है कल कहीं कल जाऊँगा, पूरा दिन बाहर घुमाऊँगा आप लोगों को। लॉन्ग आइलैंड सिटी क्वींस जाऊँगा, पहली बार जा रहा हूँ मैं भी, आपको लेके चलता हूँ, देखना बताना कैसा लगा, मैं भी देखूँगा। दोनों अपन लोग सब साथ में ही, अपना रिएक्शन होगा। जो आप लोग देखोगे वो भी मैं देखूँगा, डिसअपॉइंट होंगे या तो अपन लोग या बहुत खुश होंगे, देखते हैं कैसा रहता है। क्वींस जहाँ तक मैंने जो सुना है ना, क्वींस थोड़ा फैमिली नेबरहुड टाइप का है, तो समझते हैं क्या होता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, अभी तो ये हफ्ता बहुत ही आराम वाला गया है, क्योंकि अभी आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा मेरे को लगता है काम बढ़ जाएगा, मतलब ऑफिस का भी काम, मेरा खुद का काम। ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। व्यूअर्स हैं आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है, उसके लिए बहुत थैंक यू। और जो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन, बाय बाय।